नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके दार्शनिक और शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मॉन्टेसरी जी के शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम के बारे में, उनके द्वारा जो शिक्षण विधि अपनाई गई उसके बारे में। मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा पाठ्यक्रम की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपना पाठ्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया था। मॉन्टेसरी का कार्य क्षेत्र शिशु शिक्षा ही था तथा पाठ्यक्रम भी इसी अवस्था को ध्यान में रख करके भांति भांति के उपादेय सामग्रियों का निर्माण किया, जिसमें अन्य इंद्रियों के अतिरिक्त स्पर्श इंद्रिय की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति आगे चल करके स्पर्श शिक्षा का रूप लेती है। उनके पाठ्यक्रम की दूसरी विशेषता है कि वह लचीले और मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम के निर्माण में विश्वास रखती है। मॉन्टेसरी बालकों की मनोवृत्ति, उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने की समर्थक थी तथा व्यक्तिवादी शिक्षा का समर्थन करते हुए उन्होंने लचीले पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांतों में हमने देखा कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक क्षण के सिद्धांत को शिक्षा में बड़ा ही महत्वशाली माना है। उनके अनुसार वह मानती हैं कि प्रत्येक बात सीखने का एक अवसर होता है, इसलिए ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जो शिशु की मनोवैज्ञानिक तृष्णा को तृप्त कर सके। वे पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत आधार को महत्व दे रही हैं। मॉन्टेसरी व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से भली भांति परिचित थी। अपने अनुभवों और प्रयोगों के फलस्वरूप उन्होंने शिशुओं के लिए जो पठ्यन सामग्री बनाई उसका आधार यही था कि वह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में वे वातावरण की महत्ता को स्वीकार करती हैं। मॉन्टेसरी ने विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण में सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी को प्रदान किया है तो वह पाठ्यक्रम को किया है। मॉन्टेसरी का ध्यान उनके वातावरण पर, वे कहती हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली की विशेषता है कि हम प्रमुख रूप से वातावरण पर बल दे रहे हैं। इसके साथ ही उनके शिक्षा व्यवस्था में कर्मेंद्रियों को शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वे मांसपेशियों के प्रशिक्षण की बात करती हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाने की बात करती हैं। वे व्यवहारिक जीवन के अभ्यास से पाठ्यक्रम को जोड़ती हैं, जिसमें स्वयं की सफाई, निकटवर्ती वातावरण की देखभाल, व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार, दैनिक जीवन के संचालन की कुशलता आदि पर उनका विशेष बल रहता है। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया, उससे अपने दार्शनिक सिद्धांत में भी महत्व दिया। वे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद, 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहती हैं। उनके विषय के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण दे करके उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाषा की शिक्षा में अपने पाठ्यक्रम में बहुत महत्व दिया है। उन्होंने लिखना, पढ़ना और व्याकरण का ज्ञान देने के लिए बालकों को प्रेरित किया है। अपने शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने भाषा के साथ ही साथ अन्य विषयों जैसे गणित, चित्रकला, संगीत, प्रकृति का ज्ञान तथा हस्तकला की शिक्षा को महत्व दिया है। वे लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को फॉलो करती हैं, करके सीखने पर बल देती हैं। अब हम आज के दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसमें मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में शिक्षक को क्या स्थान मिला है, हम लोग इसके संबंध में चर्चा करते हैं। मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में बालक की संपूर्ण शिक्षा का आधार मनोविज्ञान एवं प्राकृतिक विकास है, अतः इसमें अध्यापक को शिशु मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मॉन्टेसरी का कहना है कि शिक्षक में जितनी ही गति होगी उतनी ही सुगमता से वह शिशु के व्यक्तित्व का उन्मेष कर सकेगा। प्रयोगात्मक तथा शिशु मनोविज्ञान के ज्ञान के अतिरिक्त शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिशु की क्रियाओं में कब उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है तथा कब उसे मुक्त रूप से खेलने दिया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी विधि में शिक्षक का कार्य अन्य विद्यालयों की अपेक्षा भिन्न होता है। जहाँ सामान्य विद्यालयों में शिक्षक की आवश्यकता है, वहीं मॉन्टेसरी विधि में उसके मौन रहने की आवश्यकता है। अन्य विधियों में शिक्षक बोलने वाला प्रवक्ता के रूप में होता है, जबकि मॉन्टेसरी की शिक्षा विधि में शिक्षक मौन होता है। इस प्रकार शिक्षण का अवलोकन और दंभ की अपेक्षा विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मॉन्टेसरी ने शिक्षिका शब्द के बदले निर्देशिका, डायरेक्ट्रिस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने शिक्षक को शिक्षण संबंधी उपकरणों से पूर्णतया परिचित होने को कहा है और शिशु के उस मनोवैज्ञानिक क्षण की प्रतीक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा जब उनमें सीखने की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है। अतः मॉन्टेसरी विद्यालय में शिक्षिका के उपकरणों का प्रयोग करने, शिशुओं को प्रेम और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहन देने तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की प्रतिभा होना आवश्यक है। मॉन्टेसरी ने शिक्षक के स्थान पर शिक्षिका को चुना है। प्रत्येक मॉन्टेसरी विद्यालय में सभी शिक्षिकाएं ही होती हैं। मॉन्टेसरी ने यह अनुभव किया है कि शिशु बहुत ही संवेदनशील होता है और उसे समझने के लिए स्त्री वर्ग ही अधिक उपयुक्त होगा। अब हम मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में उनकी शिक्षण पद्धति, व्हाट इज द मॉन्टेसरी मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनकी शिक्षण पद्धति की विशेषता है कि वह ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का तात्पर्य है कि वे अनेक यंत्रों और शैक्षिक सामग्रियों के द्वारा बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं। बालक की स्पर्श, श्रवण, दृश्य, गंध एवं स्वाद
इन पांच इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने कुछ खेलों का निर्माण किया है। सबसे पहले उन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में दृष्टि ज्ञान को महत्व दिया है और दृष्टि ज्ञान की शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया है। इसमें उन्होंने आकार का ज्ञान, नाप का ज्ञान और भार का ज्ञान देना उचित समझा है। आकार का ज्ञान देने के लिए उन्होंने लकड़ी के 10 ठोस बेलनाकार विभिन्न मोटाइयों के टुकड़े, जिन्हें बच्चे उनके योग्य बने हुए छेदों में से निकालते हैं और फिर उचित छेद में रखते हैं। इससे बालक आकार के भेद से परिचित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा खेल है जिसमें मोटे टुकड़े से पतले टुकड़े तक 10 चौकोर टुकड़े होते हैं, जिन्हें बालक पहले मोटा फिर पतला फिर उससे पतला इस क्रम में सीढ़ी के समान मोटे से पतले आकार का ज्ञान कर लेता है। अर्थात उन्हें जब वह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता है तब उसे मोटाई का ज्ञान, ऊंचाई का ज्ञान और मोटे और पतले आकार का ज्ञान उसे हो जाता है। इसके पश्चात उन्होंने नाप की शिक्षा की बात की है। नाप का ज्ञान देने के लिए एक ही ऊंचाई के किंतु विभिन्न मोटाई के ठोस पदार्थ तथा एक ही मोटाई के और विभिन्न ऊंचाई के पदार्थों के साथ उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। इस प्रकार विभिन्न ऊंचाई और मोटाई के पदार्थों के साथ वह शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इन पदार्थों को देखकर फिर आंखों पर पट्टी बांधकर बालक ऊंचाई और मोटाई का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह क्रम का ज्ञान देती है। उन्होंने गुलाबी रंग के लकड़ी के ठोस घन बनाए थे जिनमें सबसे बड़ा 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटा 1 सेंटीमीटर का होता है। इसे क्रम से एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड मंदिर के कलश के रूप में सजा करके छोटे से बड़े का ज्ञान कराया जाता है। हम दृष्टि ज्ञान के तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है भार का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के भार का ज्ञान कराने के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ियों के एक ही आकार प्रकार के किंतु विभिन्न भार परिमाण के 24, 18 और 12 ग्राम के अलग अलग टुकड़े लिए जाते हैं जिनके द्वारा बालक को विभिन्न भार परिमाण को अपनी हथेली पर तौलकर जान लेता है। इस प्रकार बालक भार का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके पश्चात ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है स्पर्श ज्ञान। स्पर्श शक्ति को सिद्ध करने के लिए मॉन्टेसरी ने कुछ अभ्यास स्थिर किए हैं, जैसे उत्कृष्ट पॉलिश की हुई लकड़ी का चिकना धरातल और विभिन्न प्रकार के रेगमार कागज और अन्य पदार्थों पर बालक का हाथ फिराकर चिकने, खुरदरे, ठोस, गद्देदार, कोमल, कठोर आदि का ज्ञान कराया जा रहा है। इस प्रकार बालक को कठोर और कोमल का ज्ञान हो जाता है, चिकना खुरदरा का ज्ञान हो जाता है। इसके पश्चात हम श्रवण ज्ञान की तरफ चलते हैं। श्रवण ज्ञान को सुनने की शक्ति को साधने के लिए पहले तो मुंह से ही अनेक प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है और फिर संगीतात्मक नाद, घंटी, घड़ी, ढोल तथा मक्खी की बिनबिनाहट आदि का ज्ञान करा करके तथा बेलनाकार ध्वनि बॉक्स जिसमें अलग अलग पदार्थ भरे हों के द्वारा अनेक ध्वनियों का परिचय कराते हैं। जैसे किचन में विभिन्न प्रकार के बॉक्स में विभिन्न प्रकार के मसालों की आवाज को सुना करके हम उसे छोटे बड़े और महीन का ज्ञान कराते हैं। अब हम स्वाद के ज्ञान की तरफ चलते हैं। स्वाद के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से युक्त शीशियों में खट्टा, मीठा, नमकीन तथा कड़ुआ पदार्थ होता है जिसके द्वारा स्वाद का ज्ञान कराया जाता है। इसके पश्चात सूंघने का ज्ञान होता है। सूंघने के ज्ञान के अंतर्गत विभिन्न द्रव्यों में विभिन्न गंधों के द्रव्यों से युक्त शीशियां तथा पाउडर का चुनाव किया जाता है और इससे सूंघने की शक्ति का ज्ञान कराया जाता है। मंद बुद्धि बालकों के लिए मॉन्टेसरी समझती थी कि ऐसी व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जिसमें भिन्नता स्पष्ट हो, परंतु साधारण बालकों के लिए ऐसी वस्तुएं लेनी चाहिए जिसमें बहुत ही कम डिफरेंस हो। सूक्ष्म अंतर वाली वस्तुओं को रखना चाहिए। मंद बुद्धि के त्रुटियों में संशोधन करने के लिए निर्देशिका की सहायता चाहिए, जबकि सामान्य बालकों के लिए वो स्वयं से ही अपनी त्रुटियों का सुधार कर लेंगे। मॉन्टेसरी ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ रंगीन टिकिया भी बनाई थी जिन्हें 8 रंगों में रंगा गया था, क्रमशः काला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और भूरा। इन टिकियों या रीलों के 2 डब्बों के सहारे रंग का परिचय देकर दृष्टि शक्ति साधी जाती है। इन सामग्री का प्रयोग करते समय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, एक साहचर्य का, दूसरा उसके पहचान का और तीसरा स्मरण का। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के पश्चात मॉन्टेसरी कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती हैं। कर्मेंद्रियों की शिक्षा के लिए वो खेल और शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करती हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत वे सरल रेखाओं पर पानी के बर्तन लेकर आगे पीछे चलना, बिना पानी छलकाए चलना, रस्सी की सीढ़ियों पर चलना, सामान इधर से उधर ले जाना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, दरवाजा खोलना बंद करना, कुर्सी पर उठना बैठना आदि का अभ्यास कराती हैं। इससे मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चों की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यायाम में अंतर होता चला जा रहा है। बालकों से मिट्टी के बर्तन भी बनवाए जाते हैं और उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके पश्चात भी व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना चाहती हैं, जिसमें वे स्वयं की स्वच्छता, वातावरण के निर्माण की शिक्षा, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा और व्यक्तिगत व्यवहार की शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं। स्वयं की स्वच्छता के संदर्भ में स्वयं हाथ मुंह धोना,
दांत साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, कपड़े पहनना आदि। शिक्षा उपकरणों में से कई ऐसे फ्रेम होते हैं जिन पर कपड़े पर हुक लगे रहते हैं और बालक हुक लगाने के प्रयास में अपने कपड़ों का बटन लगाना सीख जाता है। वातावरण के निर्माण की शिक्षा के अंतर्गत कक्षा की कुर्सी मेज को व्यवस्थित ढंग से लगाना, झाड़ू लगाना, पुस्तकों को रैक पर लगाना, पेड़ पौधों और फूलों को पानी देना, गुलदस्ता रखना आदि कार्य बच्चों से करवाए जाते हैं जो कि विद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों में सम्मिलित हैं। इसके पश्चात सामाजिक व्यवहार की शिक्षा के अंतर्गत इन विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की भांति कक्षा का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को प्रारंभिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं। नमस्कार करने का तरीका, कैसे क्षमा मांगना है, कैसे अतिथियों का स्वागत करना है, भोजन को कैसे परोसना है, वार्तालाप कैसे करना है, विभिन्न प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श किस प्रकार से सीखने हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रकार करना है, इस प्रकार के कार्य वो इसके अंतर्गत सीखते हैं। इसके पश्चात व्यक्तिगत व्यवहार की शिक्षा के अंतर्गत वे अपना निजी कार्य नियमित रूप से करना, खाना खाने के बाद बर्तन साफ करना, स्थान की सफाई करना। इस शिक्षण पद्धति की यह विशेषता होती है कि प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। बालक जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करता है, अध्यापिका मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है, हाथ मिलाती है, कुशल मंगल पूछती है, फिर उसके शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता में कोई कमी हुई तो स्वयं ही ठीक कर देती है या उन्हें प्रेरित करती है। वह देखती है कि बालक चम्मच का प्रयोग सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, खाना ठीक ढंग से खा रहा है कि नहीं, भोजन के पश्चात ठीक प्रकार से सफाई कर रहा है कि नहीं, भोजन के पश्चात की क्रियाओं पर निर्देशिका का ध्यान रहता है। अब हम मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित लेखन वाचन और गणित शिक्षण क्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। लेखन के संबंध में मॉन्टेसरी का विचार है कि वो पढ़ने के पूर्व लिखने की शिक्षा देना चाहती हैं। उनका कहना है कि इंद्रिय विकास के लिए विभिन्न रूप और आकार वाले शिक्षा यंत्रों की प्रदर्शनात्मक क्रिया द्वारा बालकों का निरीक्षण, अध्ययन और संपर्क सब लेखन में निश्चित सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त तीन और ऐसे अभ्यास निकले हैं जिनके द्वारा स्वतः विकास होता है। वे कागज पर ज्यामिति या रेखा गणित के संबंध वाले वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण आदि आकार खिंचवाकर उनकी बाह्य रेखा पर स्याही कराने का अभ्यास कराकर बालक को पेंसिल या खड़िया आदि का प्रयोग करने की अवयविक चेष्टा का विकास किया जाता है। बालक अक्षरों का रूप समझने के लिए गत्तों पर चिपके हुए बलुए कागज के कटे हुए अक्षरों पर उंगली फेर कर देख लेता है। अब बालक उस अक्षर को लिखता है तो अध्यापक उसका जोर से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार बालकों में दृश्य, श्रवण और कर्म इंद्रियों की प्रतिभाएं एक साथ स्थापित हो जाती है। अंत में गत्तों के अक्षर जोड़कर वे शब्द बनाते हैं। इस प्रकार बालक इतने अचेतन रूप से लेखन कला सीख लेते हैं कि लिखने की क्रिया का मान किए बिना ही लिखने लगे हैं। यह पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे बड़ी सफलता समझी जाती है। वाचन की शिक्षा के अंतर्गत इस प्रणाली में वर्णमाला क्रम को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, सीधे शब्दों से प्रारंभ किया जाता है। मॉन्टेसरी लिखे शब्दों को दोहराने मात्र को ही पढ़ना नहीं कहती है, वह शब्दों में निहित जो विचार है बालक उसे समझ पा रहा है कि नहीं इसको आवश्यक मानती है। पढ़ने के लिए कार्डों या कागजों पर लिखे हुए परिचित नामों का वाचन कराकर इसका प्रारंभ किया जाता है। अंक गणित के अंतर्गत कुछ खेलों की योजना बनाई गई है जिसमें गिनना आवश्यक होता है। बच्चे पत्थर, डंडे, मनके और मोतियों या अनेक रंगों को गिनते हैं। मॉन्टेसरी ने एक सीढ़ी के समान शिक्षण सामग्री बनाई जिसमें 10 डंडे हैं। आजकल का जो अबेकस होता है उसी के समान वो डंडे हुआ करते थे। इन डंडों में एक एक डेसीमीटर क्रमशः लाल और नीला रंग रंगा हुआ होता है। इन्हें जब बालक क्रम से लगाते हैं तो दोनों रंगों की पट्टियां बन जाती हैं और सीढ़ी सी दिखाई देने लगती है। इसके डंडे क्रमशः 100, 90, 80 और 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इन खेलों में निर्देशिका सीढ़ी को अलग अलग कर देती है, बालक उसे फिर से जोड़ते हैं। इस प्रकार उन्हें लंबाई, चौड़ाई, सेंटीमीटर अथवा मीटरों का ज्ञान कराया जाता है। प्रत्येक डंडे का रंगे हुए खाने को भी गिनते हैं। इस प्रकार उन्हें अंकों का ज्ञान कराया जाता है। खेल द्वारा जोड़ घटाना इत्यादि भी सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम, शिक्षक और उनके शिक्षण पद्धति के बारे में विचार किया। आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो फ्रॉवेल के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व।